हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे का नाश्ता, बिल्कुल चटपटा से स्वाद में। तो चले, यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लीजिएगा पहले, और उसमें डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को अच्छे से छान लीजिएगा, बिल्कुल हेल्दी तरीके से ये रेसिपी बनने जा रही है फ्रेंड्स। अब इसमें डाल देते हैं 1/2 कप बेसन। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप यहाँ पर सूजी यानी रवा का भी यूज कर सकते हैं, तो इस जगह पर आप रवा भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कुछ वेजेस डालेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/2 बॉल मैंने यानी कि 1 मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने लिया है। इसमें 2 पीस हरी मिर्च को चॉप करके डाल दीजिएगा, और 1 छोटे साइज का शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है। थोड़ा सा मैंने टमाटर भी डाल दिया है छोटे छोटे पीसेस में। अपने हिसाब से यहाँ पर आप ना सब्जी को ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास थोड़े से ना खीरा भी थे, तो मैंने खीरे को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। आप यहाँ पर पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सब्जी डाल सकते हैं, फूल गोभी भी डाल सकते हैं, बिल्कुल महीन महीन टुकड़ों में ग्रेट करके आप डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। चलिए अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं, तो टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। 1/2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने काला नमक का यूज किया है, इसे मैंने चटपटा बनाना है हमें ना, तो इसलिए काला नमक या चाट मसाला का जरूर से यूज कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर डाल दीजिए 1/2 चम्मच के करीब यहाँ पर भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच ना ओरिगैनो, बहुत बढ़िया सा इसमें स्वाद आएगा ओरिगैनो का, बच्चों को फ्लेवर इसका बहुत ही पसंद आता है। अब इसमें डाल देते हैं मैगी में जो सॉस ये मिलती है ना, ये मसाले मैगी मसाला, तो थोड़ा सा ये आप डाल दीजिए 1 पाउच। अब यहाँ पर देखिए मेन इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पर दही, तो दही यहाँ पर डाल देनी है। अगर आपके पास खट्टी दही हो ना तो 2 ही चम्मच डालिएगा, अगर आपकी मीठी दही यानी कि ताजी दही हो तो 3 से 4 चम्मच आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिएगा फ्रेश धनिया की पत्ती। मैंने यहाँ पर ना बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा या इनो कोई चीज का भी यूज मैंने यहाँ पर नहीं किया है, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इसे बनाया है, क्योंकि दही का ही काम हो जाता है इसे फुलाना। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सभी को हम पहले मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा थोड़ा पानी डालेंगे, इसका एक गाढ़ा सा बैटर हमें तैयार कर लेना है, बिल्कुल गाढ़ा कीजिएगा और इसे ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों, ये नाश्ता आपको बहुत पसंद आने वाला है, बिल्कुल हेल्दी तरीके से ये बनने जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स मैंने कर लिया है ना, तो देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, और इसे ना अच्छे से फेंट लीजिएगा। 2 मिनट इसे अच्छे से फेंट लेने के बाद ना बेसन जो पड़ी है ना बहुत अच्छे से ये फेंट आ जाएगी ना, तो बहुत अच्छे से फुली फुली सी ये बनेगी। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर देखिए मैंने पैन में यहाँ ना मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है, बहुत अच्छे से हीटेड हो रही है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक बार हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर मैंने चम्मच यूज किया है। अगर आप बड़े बड़े पीसेस में बनाना चाहते हो ना तो थोड़ा सा बड़ा चम्मच लीजिएगा और इस तरीके से डीप कर लीजिएगा। तो इस यहाँ पर देखिए इस तरीके से शेप में देते जाइएगा, गोल शेप में। अगर आपको अनइवन शेप देना हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी अपने हिसाब से आप यहाँ पर शेप डाल करके सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितनी से स्पेस थी मेरी ना, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो आप इसे ना डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ सेकंड इसी तरीके से हम पकने देंगे। जब अच्छे से ये हो जाएगा ना, तो हम ये देखिए 2 चम्मच का यूज करेंगे, तभी आप अच्छे से इसे फ्लिप कर लेंगे, नहीं तो आप ना छींटे पड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से सावधानी से इसे टर्न कर लीजिएगा, तो इस तरीके से 1 ही चम्मच से यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम पकड़ करके इस तरीके से हम टर्न कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से कलर आने दीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से बन जाता है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी को प्लीज इस वीडियो को ना लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कलर आ गया है, दोनों साइड से गोल्डन कलर आ गया है। अब 1 पीस उठाएंगे और इस तरीके से हम ऑयल को निकाल लेंगे और उसके बाद डिश आउट कर लेंगे। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। तो आज ये रेसिपी आप बनाइए और खाइए, और फिर मुझे आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बच्चे भी जो नहीं खाते हैं ना, बिल्कुल हेल्दी तरीके से वेजेस इसमें पड़े हैं, तो इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी।